नमस्ते दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं रुद्राक्ष में असली गौरी शंकर कैसा रहता, नकली कैसा रहता। अभी रुद्राक्ष में बहुत नकली आ गया, रेट भी ज्यादा है रुद्राक्ष में, इस साल बहुत फसल कम है, इसी वजह से नकली ज्यादा बिक रहा। बिक्रा बोले तो नकली का कम ज्यादा काम कर रहा, मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाता ना असली रुद्राक्ष में। एक 10 पीस खरीदना 14 मुखी बोले तो वही होलसेल में 2 लाख हो जाता, नकली बोले तो 10 हजार में आ जाता। इसी वजह से नकली रुद्राक्ष ज्यादा चल रहा, महंगा महंगा में। गौरी शंकर पे भी थोड़ा महंगा रुद्राक्ष है। देखो गौरी शंकर, ये असली रुद्राक्ष है भैया, असली रुद्राक्ष गौरी शंकर है। ये नेचुरल गौरी शंकर असली रुद्राक्ष, थोड़ा अलग अलग शेप आता, एकदम शेप बराबर सही आना बोले तो वैसा नहीं होता, पेड़ से आना पड़ता ना। अभी नकली वाला दिखाएगा, ये देखो 2 पंचमुखी लेके जोड़ दिया इधर, ये आपको सस्ता में रहता, मतलब ये दिखाने को दिखा रहा बस, इससे कुछ नहीं है, कंफ्यूजन मत हो जाओ। ये 2 पंचमुखी 10 10 रुपए आइटम है। देखो ये वाला लेके ऐसा जोड़ दिया, वो वाला जोड़ के थोड़ा काम करता ऐसा बेच दिया। ये वाला देखो पंचमुखी रुद्राक्ष, समझ गया ना? ये वाला वो नकली रुद्राक्ष। देखो से दोनों पंचमुखी इक्वल एक ही तरफ से आया, एक ही तरफ से नहीं आता भैया, गौरीशंकर का अलग रहता, गौरीशंकर का जॉइंट में भी लाइन नहीं आता। देखो इधर जॉइंट पे भी कैसा है, बराबर है लाइन, वो गौरीशंकर नकली है बस, इससे थोड़ा कंफ्यूजन मत हो जाओ, थोड़ा देखते देखते आपको समझ पे आता। ये इसमें जॉइंट बोले तो सेंटर में लाइन है, वो सेंटर में लाइन नहीं आता, गौरीशंकर को जॉइंट में लाइन नहीं आता, साइड पे आएगा, इसी वजह से असली गौरीशंकर ऐसा थोड़ा जान ना पड़ता, नहीं ये तो प्रॉब्लम हो जाता आपको। बस यही वीडियो पे आप जो किधर भी ले लो, थोड़ा ओनर से बात करके ले लो अच्छा रहता आपको, कुछ प्रॉब्लम आए तो भी शॉर्ट आउट कर देता, इससे कुछ नहीं है। अभी इसी वीडियो पे अभी नेक्स्ट वीडियो बना देगा। अभी रत्न बारे में बहुत आदमी का थोड़ा सवाल है, वो रत्न में कैसा है क्या है बोल के, वो रत्न का भी बता देता। चैनल को सब्सक्राइब करो मत भूल जाओ, अभी तक यही है इसी वीडियो पे। नमस्ते, ओम नमः शिवाय।